सगड़ बांध से संचालित ग्रामीण समूह जल परियोजना की पाइपलाइन ग्राम पंचायत सतपाड़ा हाट के खेतों से गुजर रही है। कुछ अज्ञात ग्रामीणों द्वारा पाइपलाइन के नीचे की मिट्टी हटा दी गई, जिससे पाइपलाइन के नीचे गहरा गड्ढा हो गया और पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। इस पाइपलाइन के क्षतिग्रस्त होने के कारण नल जल परियोजना से 32 ग्रामों में जल प्रदाय अवरुद्ध हो गया। जब इसकी जानकारी जल निगम सहायक प्रबंधक सगड़ हिनोतिया माली ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना रवीना धाकड़ से मांगी गई, तो उन्होंने बताया कि सतपाड़ा हाट के खेतों में पाइपलाइन के नीचे किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा गड्ढा खोद दिया गया था, इसके कारण पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं इसकी पाइपलाइन को दुरुस्त करने के लिए जेसीबी और मजदूरों द्वारा जल्द ही इसे ठीक कर दिया जाए कर और जल प्रदाय सुचारू रूप से चालू कर दिया जाएगा। इसकी सूचना हमारे द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी गई। हमारी जो 400 mm डाया की फीडर लाइन जिससे टंकी भरती है, उस लाइन के आसपास की मिट्टी ग्रामीणों के द्वारा निकाल ली गई है, जिस कारण पानी के भराव से लाइन बैठ गई है, तो उसका जॉइंट स्लिप हो गया है, जिस कारण से 11 टंकियां नहीं भर पा रही हैं और 32 गांव की सप्लाई बाधित है। जिन लोगों ने ये किया है, हम पंचायत स्तर पे इस चीज को दे चुके हैं। बाकी पंचायत का कहना भी था कि हम इसको करवा देंगे, लेकिन आज तक नहीं किया, और अब जब ये स्थिति बनी तो उसके बाद भी पंचायत का कहना यही है कि हम अब करवा देंगे। ऐसी स्थिति में जल विहीन जो घर है उनके लिए कोई अलग से कोई व्यवस्था, टैंकर वगैरह की इस टाइप की कोई व्यवस्था है क्या? अपने पास उसकी व्यवस्था नहीं है, बाकी वो अपने घरेलू व्यवस्थाएं सब कर रहे हैं और अपना पानी इतना स्टोर होता है कि एक आध दिन की अगर कोई समस्या आती है तो उसको मैनेज कर सके। क्या माना जाएगा? प्रयास तो ये है कि आने वाले मतलब कल में ये काम अपना हो जाएगा, चूंकि डीआई लाइन है और उसमें पानी भरा हुआ है, तो उसको पानी को सुखाने में थोड़ा समय लग रहा है। शमशाबाद से अभिषेक जैन की रिपोर्ट।